फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले मैंने वॉल सपोर्ट एक्सरसाइज का पार्ट वन अपलोड किया था और आप में से काफ़ी लोगों ने उसको बहुत पसंद किया था और पार्ट टू के लिए बोला था। आपके डिमांड पे मैं वॉल सपोर्ट एक्सरसाइज का पार्ट टू लेके आई हूँ। तो जिन लोगों ने पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है वो आज एक्सरसाइज मेरे साथ साथ में स्टार्ट करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा है वो आज एक्सरसाइज देख लीजिए। पार्ट वन का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, नीचे कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप उस एक्सरसाइज को भी ज़रूर देखना। पहले आप वहाँ से शुरुआत करना और फिर ये आज वाली एक्सरसाइज की आप प्रैक्टिस करना। और जो लोग पहले से पार्ट वन देख चुके हैं वो लोग फ़ोन को सामने रख दीजिए और मेरे साथ साथ में प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब फैमिली को ज्वाइन नहीं किया है फ्रेंड्स, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके यूट्यूब फैमिली को हमारे ज्वाइन कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ गया, ये वॉल सपोर्ट एक्सरसाइज है, यानी कि हमें दीवार के सहारे ही सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। तो सबसे पहले हम आराम से दीवार के पास जाके बैठ जाएंगे। इस तरह से अपने हिप्स को बिल्कुल क्लोज लेके आ जाइए दीवार के, और इस तरह से लेट जाइए, पीछे आगे खिसक जाइए, ऐसे एकदम दीवार के पास आना है। दोनों पैर को आपको यहाँ पे आराम से इस तरीके से रख देना है, ठीक है, जहाँ पे भी आप कंफर्टेबल है। चाहे तो आप पैरों को सीधा कर लीजिए, चाहे तो आप इस तरह से फोल्ड करके भी रख सकते हैं। अभी जो मैं आपको फर्स्ट प्रैक्टिस बता रही हूँ, ये आपके कोर के लिए और आपके कमर के फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो इस तरह से पैरों को रखेंगे, दोनों हाथ पीछे लेके जाएंगे, ऐसे डीप इनहेल एक्सहेल करते हुए दोनों हाथों को अपने पैरों के साइड पे लेके जाएंगे। एक्सहेल इनहेल एक्सहेल इनहेल एक्सहेल, ठीक है, इस तरह से। हो सकता है कि आप दीवार तक ना पहुंच पा रहे हो, तो जहां तक आप पहुंच पा रहे हैं इस तरह से ऐसे जितना आप मैक्सिमम जा सकते हैं वहां तक पहुंचने का ट्राई करेंगे, ठीक है। और इसको हम करने वाले हैं फॉर नेक्स्ट 10 काउंट। सो लेट्स स्टार्ट। दोनों हाथ पीछे रखिए, पहले लंबा सांस भरिए, एंड देन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, that's it। 10 राउंड करने के बाद आप देखोगे आपकी कोर मसल्स बिल्कुल टाइट हो गई होंगी। ये आपके अपर बेली के फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अगली जो एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ, ये आपके पैरों की मसल्स को रिलैक्स करेगी। और अगर आपको यहाँ पे आपके काफ मसल्स में काफ़ी ज़्यादा फैट है, या पैरों में आपको बहुत दर्द होता है, घुटनों में बहुत दर्द होता है, तो उस दर्द को कम करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बहुत आसान है। इस तरीके से आराम से लेटे रहिए, अपने दोनों पैर के अंगूठों को अपने फेस की तरफ इस तरह से स्ट्रेच कीजिए, और फिर इस तरह से पूरा ऊपर स्ट्रेच कीजिए, ऐसे पूरा अंदर बाहर अंदर बाहर। और ज़्यादा बेनिफिट अगर आप इस एक्सरसाइज का लेना चाहते हैं तो ब्रीथ के साथ में कीजिए। सांस भरते हुए पैरों को अंदर लाइए, इनहेल एक्सहेल, ठीक है। इसके भी हम टोटल 10 काउंट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, पूरा खींच के रखिए घुटने सीधे, 5, 6, 7, 8, पूरा अंदर पूरा बाहर, 9 and 10, एंड जस्ट रिलैक्स योर लेग्स। दोनों पैर को नीचे लेके आइए। देखने में ये एक्सरसाइज आपको बहुत आसान लगी होगी, लेकिन जो लोग मेरे साथ में कर रहे होंगे उनको इसका इफ़ेक्ट उनके पूरे पैरों पे यहाँ पे दिखाई दिया होगा। जहाँ जहाँ आप इस एक्सरसाइज का इफेक्ट महसूस कर रहे हैं, जिन मसल्स में महसूस कर रहे हैं, वहाँ के फैट को भी ये कम करेगी और आपकी पैरों की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जिसके लिए अपने दोनों हाथों को आप अपनी कमर के नीचे यहाँ पे इस तरह से रख दीजिए, और दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर लेके आ जाइए। सेफ साइड मैंने आपके हाथों को कमर के नीचे रखवाया है ताकि किसी तरह का कोई दर्द या दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। अगली एक्सरसाइज जो अभी हम कर रहे हैं, ये हमारी लोअर बेली और हमारे थाइस के और हिप्स के फैट को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करेगी। तो अपने पैरों को इस तरह से रखिए, और एक एक करके अपने पैर को अपने फेस की तरफ स्ट्रेच करेंगे इस तरह से, 1, 2, 3। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो कमर को आप थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए, अगर कंफर्टेबल नहीं है तो कमर को यहीं पे रखे रहिए और सिर्फ पैरों को मैक्सिमम स्ट्रेच करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए इसके हम करेंगे टोटल 10 रेपिटेशंस। घुटने सीधे, एंड लेट्स स्टार्ट। 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And just drop down, relax well. ये एक्सरसाइज करके आप देखोगे आपके पैरों में काफ़ी सेंसेशन आप महसूस करोगे, जो कि आपके पैरों के फैट को रिड्यूस करेगा और पैरों की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब अगला प्रैक्टिस करने के लिए दोनों पैरों को इस तरह से मिला लीजिए और नीचे लेके आइए। अगर ये डिस्टेंस आपका भी इतना बढ़ गया है हिप्स और दीवार के बीच का, तो थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाइए। ऐसे जैसे मैं अपने आप को आगे शिफ्ट कर रही हूँ, ऐसे आप भी कर लीजिए। दोनों पैरों को इस तरह से आपस में मिलाइए, ये डायमंड शेप में दोनों पैर के तलवों को आपस में मिलाएंगे यहाँ पे। एंड देन अगेन अपने दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। अगेन ये प्रैक्टिस हमारे पेट के लिए है। इनहेल एंड देन एक्सहेल। पैर के अंगूठों को बिल्कुल मिला के रखिए, जाके अपने टखनों को छूइए और वापस आ जाइए। ये आपके इनर थाइस के फैट को भी रिड्यूस करेगी और पेट के फैट को भी रिड्यूस करेगी। सो लेट डू द 10 counts। इनहेल एक्सहेल इनहेल। ध्यान रखिए आपके पैर अपनी जगह से हिलने नहीं चाहिए। अगर सर्वाइकल की दिक्कत है तो सर को ऊपर मत उठाइए। कम ऑन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और पैरों को इस तरीके से रिलैक्स कीजिए। फ्रेंड्स, जब भी आप वॉल सपोर्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको रिलैक्स करना है, तो आपको इसी तरीके से रिलैक्स भी वॉल सपोर्ट के साथ में ही करना है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसके लिए आप दोनों पैरों को यहाँ पे रखिए और अपने दोनों पैरों को आप इस तरह से ओपन कीजिए मैक्सिमम एंड देन क्लोज। मैक्सिमम ओपन क्लोज, ठीक है। जितना आप आराम से खोल सकते हो उतना खोलिए। ये आपके थाइस के फैट को रिड्यूस करेगा और आपकी घुटने की मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो चलिए इसके भी हम टोटल 10 round करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1, 2, घुटने बिल्कुल सीधे रखिए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड जस्ट रिलैक्स, नॉर्मलाइज योर ब्रेथ। पैरों को फोल्ड कीजिए, रिलैक्स कीजिए। फ्रेंड्स, इन एक्सरसाइज के इनिशियली आपको इतने ही रेपिटेशंस करने हैं, यानी कि अगर आप पहली बार कर रहे हैं भी तो इतने ही रेपिटेशंस काफ़ी हैं। बाकी अगर आप इनका और ज़्यादा इफेक्ट देखना चाहते हैं या आप पहले से प्रैक्टिस करते हैं, तो थोड़े थोड़े करके रेपिटेशंस को ज़रूर बढ़ा लीजिए। जितने ज़्यादा आप रेपिटेशंस करेंगे, जितना टाइम एक्सरसाइज को देंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए इन सब में से सबसे अच्छी एक्सरसाइज आपको कौन सी लगी। अगर आपको वॉल सपोर्ट की और एक्सरसाइजेस देखनी है, तो आप इसी वीडियो के नीचे part 3 कमेंट ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग जो खड़े होकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं या जो कुछ नई एक्सरसाइज देखना चाहते हैं, उनको ये एक्सरसाइज हेल्प कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।